आदर्श में से। श्रीनगर में आज वन विभाग के कर्मचारियों ने वन विभाग कॉम्प्लेक्स में विरोध प्रदर्शन किया। वन विभाग अपनी मांगों को ना माने जाने से नाराज था। वन विभाग के कर्मचारियों का सरकार पर आरोप है, वो जानबूझकर मांगों की अनदेखी कर रही है। आइए सुनते हैं वन विभाग के कर्मचारी को आखिर क्या मांगे और उनकी आगे की रणनीति क्या है। सर्विस तकरीबन 30 साल हो गई है डिपार्टमेंट, अभी इंचार्ज रेंज ऑफिसर हूँ। ऐसे ही हमारे फॉरेस्ट गार्ड को इन्होंने बना दिया इंचार्ज डीएफओ। यहाँ पर इतनी बदमाशियां, इतने इर्रेगुलर ऑर्डर निकलते हैं, इंसाफी होती है। हमारे जो आज जमा हुए हैं यहाँ पर क्लास फोर्थ एम्प्लॉई जो है, पिछले 28 साल से ये काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में और इनकी प्रमोशन का कोई इन्होंने चांस ही नहीं रखा। परसों कमिश्नर साहब जो फॉरेस्ट के हैं और हमारे जो कंजर्वेटर तीन साहिबान हैं, इन्होंने मिली भगत करके ये ऑर्डर निकाला कि इनका कोई चांस ही नहीं है प्रमोट होने का। ये कौन सा इंसाफ है? हम चाहते हैं जब से ये रेगुलर हुए हैं इनका हक बनता है। 1994 से जितने भी रेगुलर हुए हैं उनको कॉमन सीनियरिटी में इनकॉर्पोरेट करके इनकी प्रमोशन कर दी जाए। जिस तरह से वन विभाग के कर्मचारी धमकी भरे अंदाज में अपना आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं, अगर सरकार ने वक्त रहते कोई ठोस कदम ना उठाए तो सरकार के लिए सरदर्द बन सकते हैं वन विभाग के कर्मचारी। श्रीनगर से नासिर खान की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।